इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर के कुछ पॉइंट्स हम आज अभी यहां पे देखने वाले हैं। ये बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या है? ऐसे कंपाउंड का स्टडी जिसके अंदर क्या है? कार्बन। ठीक है, जिसके अंदर क्या है? कार्बन। अरे वाह, ठीक है। तो जिसके अंदर कार्बन है ऐसे कंपाउंड के स्टडी को हम कहते हैं कौन सा? द स्टडी ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन। तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच, कैसी? जिसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं? कार्बन का स्टडी नहीं करते, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का। क्या का? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का। उस केमिस्ट्री को हम कहते हैं कौन सी केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कार्बन के बारे में हम पढ़ेंगे, बट बिफोर सीइंग दैट कार्बन आई टेल यू सम पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस। आपको अगर पता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो डू यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? आप में से कुछ लोगों को हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये पता नहीं होगा, इसलिए शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं। एटम के अंदर अलग अलग शेल्स रहती है, शेल्स के अंदर अलग अलग क्या रहती है? सबशेल। इसको कहते हैं सबशेल एस। और इसमें ज्यादा से ज्यादा हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? दो। पी में 6 और डी में 10। ऊपर वाले में 4 ऐड किया, 2 + 4 = 6, 6 + 4 = 10। क्लियर है बेटा? तो ये हो गए कौन? कैपेसिटी। किसकी कैपेसिटी हो गई बेटा? सबशेल। कौन सी सबशेल्स हो गई? एस पी डी एफ, बराबर। ये हो गई अलग अलग सबशेल्स। और इस सबशेल्स के अंदर रहती है ऑर्बिटल्स। क्या रहती है बेटा? इसके अंदर एक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मतलब जहां पे एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन रहता है वो जगह। इसके अंदर कितनी ऑर्बिटल? 1। इसको 2 से डिवाइड करना तो आपको ऑर्बिटल्स मिल जाएंगी। तो एस 2/2 = 1, 6/2 = 3, तो 3 ऑर्बिटल। इधर 10/2 = 5, तो कितनी ऑर्बिटल? 5। चलो ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद एस का शेप रहता स्फेरिकल, कैसा रहता? और पी का शेप कैसा रहता? डंबल। दिस शेप इज कॉल्ड वी शेप, डंबल शेप। ध्यान में रखेंगे, पी का शेप डंबल शेप, एस का शेप स्फेरिकल, और पी के अंदर कितनी ऑर्बिटल है? 3। ऐसे दिस इज वी एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो इसके ये जो स्वेलिंग पार्ट रहता है इसको हम क्या कहते हैं? लोब्स। क्या कहते हैं बेटा? तो इसके लोब्स कौन से एक्सिस से जा रहे हैं? एक्स, इसने इसका नाम रखा पी एक्स। इसके लोब्स कौन से एक्सिस से जा रहे हैं? वाई, तो नाम रखा पी वाई। अगर लोब्स कौन से एक्सिस से गए? जेड, तो क्या नाम होते हैं इनके? पी एक्स पी वाई पी जेड। समझ गए क्या नाम होते हैं? पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है एटॉमिक नंबर। कौन सा नंबर? किसी का भी एटॉमिक नंबर कितना रहता है? जिसने उसके अंदर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। जितने उसके अंदर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ध्यान में रखेंगे, जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतना ही उसका क्या रहता है? एटॉमिक नंबर। एंड दिस एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। कैसे डिनोट करेंगे? जेड। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। और ये जो एटॉमिक नंबर है, अगर इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करना है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का हमें फिलअप करना 1s, 1s में होने के बाद 2s, 2s में होने के बाद 2p, ठीक है, और 2p में होने के बाद 3s, और 3s में होने के बाद 3p। इस तरह आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो ये सब है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरना है ये भी आपको पता है। अब मैं 2 एलिमेंट्स यहाँ पे ले रहा हूं। चलो वंस मोर, एस का शेप स्फेरिकल, एस का शेप स्फेरिकल, पी का शेप डंबल, डंबल, ठीक है, पी का शेप डंबल, एस का शेप स्फेरिकल, ठीक है, एस का शेप स्फेरिकल, पी का शेप डंबल। अब क्या होगा ना? चलो यहां तक समझ गए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काय में भरेंगे? एस, 1s, हाइड्रोजन। डू यू नो हाइड्रोजन? What is the atomic number of hydrogen? 1. Atomic number of hydrogen is 1. उसका atomic number 1 है, मतलब उसके अंदर electron भी 1 है, ठीक है? जितना उसका atomic number, उतने उसमें electron.
तो एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 1, और वो इलेक्ट्रॉन काय में भरेंगे 1s, कितना भरेंगे 1, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1s, s के अंदर सिर्फ कितनी ऑर्बिटल रहती है 1, तो उसको मैं ऐसा, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1, समझ गए। अभी मैं एक और एक एलिमेंट ले रहा हूं जिसका नाम है फ्लोरीन, डू यू नो फ्लोरीन, सो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 9, तो सबसे पहले काय में भरेंगे 1s, अब s में ज्यादा से ज्यादा कितने बैठ सकते हैं 2, 2 से ज्यादा नहीं, तो 1s में कितने भरे 2, 9 में से कितने गए 2, अब 9 में से 2 गए 7, इसमें तो किसी को डाउट नहीं, ये तो ऐसे निकालना 9 2, ठीक है यू कैन, तो डोंट वरी, तो कितने बचे 7 बराबर, अब 7 भी इसमें भरने की कोशिश करेंगे लेकिन उसकी कैपेसिटी सिर्फ 2 की है, क्योंकि कौन है s, तो s की कैपेसिटी कितनी की है 2 की, पता ना s की कैपेसिटी कितनी की है 2 की, तो इसमें भी कितने जाएंगे 2, 2 और 2 कितने गए 4, कितने थे टोटल 9, गए कितने 4, बचे कितने 5 बराबर, अब इसमें पूरे 5 के 5 भरने की कोशिश करेंगे, अंदर कितने डब्बे, एक ऑर्बिटल मंजे डब्बा, ठीक है पी एस के, फिर से एस है तो एस है तो 1, और पी है तो 3, पी है तो 3, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2, पहला अपवर्ड दूसरा डाउनवर्ड, ठीक है इसमें पहला अपवर्ड दूसरा, और जब एक से ज्यादा ऑर्बिटल रहती तो क्या करना, पहले सिंगल सिंगल भरना, क्या करना सिंगल सिंगल और फिर डबल डबल पेयरिंग, ठीक है, किसने बोला ये हर्ट्ज, एक साइंटिस्ट जी थे, क्या नाम था उनका हर्ट्ज, और हर्ट्ज जी ने क्या बताया, फर्स्ट फिल अ सिंगल सिंगल, कितने 5, तो पहले 1 2 3, ठीक है 1 2 3, फिर और कितने बचे 2, फिर 4 5, हो गया समझ गए सब लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम एनी डाउट, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन अकेला रहता, कैसा रहता अकेला रहता, तो उसको कहते हैं, लेकिन जब उसकी ऐसी दो की क्या रहती जोड़ी, जोड़ी को अंग्रेजी में बोलते पेयर, तो इसको बोलते पेयर, और इसकी पेयर नहीं बनी, तो जिसकी पेयर नहीं बनी वो अनपेयर, तो सिंगल को क्या बोलेंगे अनपेयर, ठीक है सिंगल को क्या बोलेंगे अनपेयर, और दो रहे तो पेयर, दो पेयर, अब बोलो हाँ पेयर, हाउ मेनी अनपेयर, हाउ मेनी अनपेयर, यहां तक क्लियर है, पहली का सॉरी पहली ऑर्बिटल का नाम 2p(x), पहली का नाम 2p(x), दूसरी ऑर्बिटल का नाम, तीसरी यू ऑल नो वेरी वेल, एवरीवन वांट्स टू बिकम अ स्टेबल, हर कोई क्या होना चाहता है स्टेबल, किसी को भी उठा के फेंक दो क्या हो जाएगा होगा ना, तो यहाँ पे एलिमेंट जो होते हैं एटम्स जो होते हैं they try to complete their octet or duplet, ठीक है जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, उसके पास सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन 1, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, शॉर्टकट बचपन में कैसे लिखते थे 2 7, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट में 7, और इसके आउटर मोस्ट में 1, टू बिकम अ स्टेबल दे शेयर देयर 1 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है जब वो अपने एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इसका एक इसका एक, तो हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया ड्यूप्लेट, और फ्लोरीन का ऑक्टेट, देखो 2 4 6 और 2 8, तो फ्लोरीन का क्या कंप्लीट हुआ ऑक्टेट, और हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हुआ ड्यूप्लेट, ठीक है हाइड्रोजन का कंप्लीट हुआ ड्यूप्लेट और फ्लोरीन का कंप्लीट हुआ ऑक्टेट बराबर, और दोनों भी क्या हो गए स्टेबल, ध्यान में रखेंगे दोनों भी क्या हो गए स्टेबल,
एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, टू बिकम अ स्टेबल इट शुड हैव टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेन, इट शुड हैव टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेन और ड्यूप्लेन। तो इस तरह इसके बीच में जो बॉन्ड बना, दैट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किए, शेयर। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड व्हिच बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड, ध्यान में रखेंगे। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड व्हिच बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अब कभी कभी एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, टू बिकम अ टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट की डुप्लेट। एक का दो बनाने के लिए, एक का दो बनाने के लिए वो दोनों अपने एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर। फिर इसका भी कंप्लीट होता ड्यूप्लेट, इसका भी कंप्लीट होता ड्यूप्लेट, और दोनों भी क्या हो जाते हैं, स्टेबल। तो अभी अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, वन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1, बराबर। तो इसके अंदर सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन है, वन। कौन सी सबशेल में रहता, s। अब s का शेप कैसा है, स्फेरिकल, और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, वन, ठीक है। ये भी दूसरा हाइड्रोजन, इसका भी एटॉमिक नंबर वन, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1, इसके अंदर भी कितना इलेक्ट्रॉन, वन, इसका भी शेप स्फेरिकल, इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन, वन। डू यू नो द वर्ड शेयरिंग, शेयरिंग पता है आपको, शेयरिंग। जैसे कैसा है ना, बाजू वाले घर का नल नहीं आता तो अपन अपने घर का पानी उनको देते, नहीं नहीं अभी नहीं देते, ठीक है, लेकिन उनके घर में कुछ प्रोग्राम वोग्राम रहा, शादी वादी रही या कुछ रहा, तो फिर देते ना, ठीक है, खाने को जाते फिर तो देना पड़ता है, तो नहीं सर, तो बाजी वालों को देते। तो फिर क्या होता है, अपने घर का जो पाइप रहता, तारे कैसे उनके घर पे ऐसा फेंकते का जोर से, उनके घर का पाइप लाते, फिर अपने घर का पाइप, उनके घर का पाइप, इधर का पानी उधर भेजता है, मतलब पानी शेयर करता है। तो उसके लिए दो पाइप्स के बीच में क्या फॉर्म करना पड़ता है, ओवरलैप। डू यू नो दिस थिंग, यस और नो, ठीक है। ये देखो, कोई भी, अब कोई भी एग्जांपल लो, जैसे पाइप्स जोड़ते हैं ना, देखा है आपने कभी पाइप्स जोड़ते, तो एक पाइप का साइज थोड़ा बड़ा रहता है, दूसरे पाइप का साइज छोटा। तो अगर उन दोनों को जोड़ना है तो उनके बीच में क्या फॉर्म होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ओवरलैप, दैट इज कॉल्ड। जब उन दो पाइप्स के बीच में ओवरलैप होगा तब वो दो पाइप कंबाइन होंगे, तब इधर का पानी उधर जाएगा या उधर का पानी इधर, सेम इज अ कंडीशन हियर। यहां पे भी ये हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 है, अभी देखा हमने, अरे देखा ना, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 है, दोनों का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 है। तो उसके s सबशेल में क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन, क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर उनको, उन दोनों को कंबाइन करना है तो उनके बीच में क्या करना पड़ेगा, ओवरलैप, क्या करना पड़ेगा, ओवरलैप, तब जाके इधर का इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, उधर का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, समझ गए। तो इसलिए बिफोर फॉर्मिंग द कोर, सॉरी व्हिच बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, हूज ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम की ऑर्बिटल, इसलिए हम उसको कौन से ऑर्बिटल कहते हैं बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में क्या फॉर्म करना पड़ता है, ओवरलैप। अच्छे से बोलो, क्या फॉर्म करना पड़ता है, ओवरलैप। जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैप फॉर्म करेंगे तभी वो दो ऑर्बिटल क्या होंगी, कंबाइन, और दो ऑर्बिटल कंबाइन होने के बाद फिर इधर के दोनों इलेक्ट्रॉन उधर जाते जाएंगे, उधर के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आते जाएंगे, समझ गए। और तब क्या होगा, इसके भी अकाउंट में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके भी अकाउंट में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और उन दोनों का क्या कंप्लीट हो जाएगा, ड्यूप्लेट, क्या कंप्लीट होगा, ड्यूप्लेट, आर यू अंडरस्टैंडिंग। और इसलिए उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए या कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए
ये जो हाइड्रोजन है, ये फर्स्ट हाइड्रोजन की कौन सी ऑर्बिटल, 1s, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और ये सेकंड हाइड्रोजन की कौन सी ऑर्बिटल, 1s, इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, ठीक है। ये सेकंड हाइड्रोजन की कौन सी ऑर्बिटल, 1s, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक उसका इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन वहां पे पेयर अप हो जाएंगे और इस तरह उनके बीच में क्या होगा, ओवरलैप, और ये 1s है फर्स्ट हाइड्रोजन की और ये 1s है सेकंड। और आपको अगर पता है, और ये जो रीजन है, ये जो रीजन आपको बीच का दिख रहा है, दिस रीजन इज कॉल्ड ओवरलैपिंग रीजन। कौन सा रीजन बेटा, चांगला सांगा ना थोड़ा, ओवरलैपिंग रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड ओवरलैपिंग रीजन, ठीक है। और ये ओवरलैपिंग रीजन है और इसके बीच में ओवरलैप हुआ, किसके किसके बीच में ओवरलैप हुआ, 1s एंड 1s, या सिंपली बोल सकते हैं s एंड s, किसके बीच में ओवरलैप हुआ बेटा, s एंड s, किसके बीच में, s एंड s, s एंड s के बीच में ओवरलैप हो रहा है, और इसने इस टाइप के ओवरलैप को कहते हैं कौन सा ओवरलैप, s ओवरलैप, कौन सा ओवरलैप, s ओवरलैप, क्लियर है बेटा, दिस टाइप ऑफ ओवरलैप इज कॉल्ड विच ओवरलैप, s ओवरलैप, ठीक है।